हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय गुरुदेव 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 जय श्री गुरु महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान महाराज की जय संडे प्रोग्राम की जय गीताय संवृत गौरव भक्तवृंद की जय गीताय गौर ब्रह्मानंद हरि नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी नामिने
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणो नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपास्तमो वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीपरमानन्दमाधव संत भागवतम दशम स्कंद 56 अध्याय 16 नंबर 38 श्री शुक उवाच सत्राजितम समाहूय सभायम राजसन्निधौ सभायम राजसन्निधौ प्राप्तिं च अख्याय भगवान् मणिं तस्मै निवेदयत् सत्राजितं समाहूयम् सभायां राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान् मणिं तस्मै निवेदयत् सत्राजितं अनुवाद श्री कृष्ण सत्राजिति को राजसभा को आह्वान कले सेठारे राजा उग्रसेनकर उपस्थिति रे मणिटिकु पुनरुद्धार कथा घोषणा कले एवं तत्पर आनुष्ठानिक भाव रे ताहा सत्राजिति को प्रदान कले हरे कृष्ण आमर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण मोहन अमृत संघ तरफ समस्त हार्दिक स्वागत आमर आज हूँ रविवार तेणु रविवार प्रोग्राम टी आम कंटिन्यू करुचु जेहेतु करोना पाई आमर के आसी पार ना तेणु आम पूर्व रविवार दिन आम जूम करूँ क्लास आज आम यमर रघुनंदन धाम ये फेसबुक आज आम क्लास हाँ इस्कन बुला
ये आम आज क्लास हो आज समस्त कहीदी रघुनंदन रघुनंदन धाम होता ना सबुद ओह मु रघुनंदन धाम बोली कहीदे समस्त तेणु इस्कन बुला फेसबुक रे करा हूँ ठीक है आम भूल इनफर्मेसन आम देदेचु तो जापरल से देख माने मुझे सब कही जी मत पचार समस्त पाखे अच्छी तो ठीक अच्छे तेणु यही आमर यो आख्यानटी आम पाठ करूचे समत मणि आम पूर्व आम दुई तीन थर ए विषय आम आलोचना करते आमर पादसेवा प्रभु प्रत्येक दिन यही आख्यानटी पाठ करेणु आज जो 38 नंबर श्लोक सुखदेव गोस्वामी वर्णना करुँचे श्रीकृष्ण सत्राजिति को राजसभा को आह्वान कले सेठारे राजा उग्रसेन को उपस्थिति रे मणिटी को पुनरुद्धार कथा घोषणा कले एवं तत्पर आनुष्ठानिक भाव रे ता सत्राजित को प्रदान कले कारण एठी देखिबा सत्राजित से भगवान कर विरुद्ध रे से एई समतक मणि संबंधी कथा से प्रदान करथिले कारण से कही थे कि भगवान से आम को कही मणिटी को उग्रसेन को देवाई तेनाली आम कथ मानलु नहीं आम प्रदान कलु नहीं तेणु से मोर भाई को मारी से ये मणिटी को नहीं जाइंट तेणु भगवान को ना रे मिछरे घोषणा करते तेणु यहाँ भगवान को प्रति गोटे निंदा तेणु भगवान ये जो निंदा को दूर करने कारण भगवान तांकर निजर जो निंदाटा को जोबले चारिआड़े प्रचारित हो गला तेणु भक्ति मार्ग भक्त मानाई ये गोटे विपद आसीगला तेणु से विपद को दूर करने स्वयं भगवान निजे चेष्टा चलेले से निजे गले से मणिटी को खोजापी एवं से जाई निजे से किभली भाव से गुंफा रे प्रवेश कले किसी लोक साथी नहीं तेणु सेठी से जाम मान सहित ये मणि संक्रांत विषय जो किभली भाव युद्ध हला एवं से युद्ध से जाम मान परास्त कले जाम मान से भगवान को बुझिले ये स्वयं भगवान तेणु वर्तमान स्वयं भगवान मोर प्रभु जो थिले राम वर्तमान भगवान से कृष्ण आसीचंती कृष्ण रूप से आसीचंती से कृष्ण हूँ भगवान मूल रूप तेणु सत्राजिति कर ये जो मणिपाई ये आसीचंती सब विषय से आलोचना होता भगवान सब कही तेणु जामवान कन्या जामवती ये मणिटी को आणिक भगवान गलार पिंधे विदा दे तेणु भगवान से मणिटी को लेकर आसिले आनी कौन कले ना जो द्वारिकावासी माने निज जन माने भगवान न आसवर से माने बहुत मन दुख कले व्यस्त हो पड़े कारण 28 दिन से युद्ध करते सहित जो माने जाते मणि खोजापी से 12 दिन अपेक्षा कले से पल आसिले एवं से आसी खबर दे राज प्रसाद रे पूरा दुख बा शोकर छाय खेलीगला समस्त व्यस्त हो पड़े कारण स्वयं भगवान को से माने आज हर बसी बोली तो समस्ते सत्राजित गाली भी कले कारण ये सत्राजित पाई आज आम प्रभु को आम आज हर बसी छु तो से माने जाई दुर्गा देवी पाखे प्रार्थना कले एवं दुर्गा देवी आशीर्वाद कामना कले तेणु को यही भाव दुर्गा देवी आशीर्वाद एवं रु से जान लें स्वयं भगवान आसी पहुँची
तेणु भगवान ये निजे किभली भाव ये जो एत बड़ प्रॉब्लम को किभली भाव में सुंदर भाव सॉल्व कले आम देखा तेनालीटा हूँ भगवान नियम आपको धर्म बोली कह धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम तेणु भगवान ए धर्म नीति को प्रणयन करती कि जदि आम ना किए जदि किसी भूल वशत किसी घोषणा कर आम कौन करम आम मानहान केस दायर करमें जी से लोक को डायरेक्ट आम आक्रमण करना कारण प्रशासन रही तेणु भगवान यही भाव में ये सुंदर भाव में ये कार्यटी को तुलाऊँ से स्वयं भगवान से जहाँ चाहिए तापारे से पूर्ण स्वराट पुरुष से कहार अधीन नुहति तेणु धर्म को प्रतिष्ठा करने भगवान किंतु जो धर्मनीति निजे प्रणयन कर भगवान मानु मानवर कौन से कारण ना से कहीं मानवे से धर्मनीति को किंतु एटी भगवान से सब जिनस को ठीक भाव मानुंट जमी नृसिंहदेव आविर्भव हेले सबू ब्रह्माजी जो जो आशीर्वाद दे बर प्रदान कर सबू बर गुड़ी भगवान पालन कर मानी एवं मानिकी हिरण्यकशिपु को भगवान मारी ठीक से भाव ये देखा भगवान चाहते सत्राजित को दंड निजे दे था किंतु भगवान से भली कार्य करना भगवान ये जो जो प्रशासनिक क्षेत्र में जेहेतु राजा से होती किए उग्रेशन तेना भगवान राजा उग्रेशन को राजा करते द्वारिकार से राज से राजा अधीनस्थ तेणु स्वयं भगवान निजे महाराज उग्रेशन बोली कही तांकु प्रणाम भी करुथिले भगवान सम्मानित करुथिले कारण गुरुजन से एवं से राजा राजा जी माने अच्छा भगवान प्रणाम कौन प्रमाण कर देखा जे नराणाम नराधिपा जो भगवत गीता भगवान कही मुझे मान राजा लोक मान मानव मान भर मु राजा तेणु ये राजा मध्यम मोर बार्ता भी तुम पाखक आसी पहुँच से भगवान भगवत गीतार ये जो भगवत गीता ज्ञान सूर्यदेवता विभस्वान कही कारण ये जो कथा गुड़िक जो मैंने सब रही आमर जमी आमर आचार्य मैंने जमी रही मध्यम ये भगवत बाणी आम पाखे आसी पहुँची जमी प्रभुपाद महाराज पर गुरु आचार्य बर मध्यम तेणु आम मैंने सदा बेले यही सिस्टमटा को आम सदा बेले सम्मानित करा दरकार कारण यम सब बाणी आम पाखे आसी पहुँच आम आग को आलोचना करवा कि ये जो घोषणा ये जो जो चरित्र आम पाठ करूचे तेणु भगवान निजे सत्राजित को दंड दे पारि था समस्त सामने किंतु भगवान ताहा कलेनि भगवान आनी उग्रेशन को उपस्थित रे भगवान सत्राजित को डाकिले सत्राजित को राजसभा को आह्वान कल भगवान आस तुम्हें तेणु तुम्हें जो मिथ्या मो ना जो प्रचार कर तुम्हार मणिटी को नहीं जा तेणु तुम्हें आस बर्तमान राज सभा को तुम मणिटी आम खोजिकी पाइचु तेणु राजा उग्रेशन को उपस्थित रे भगवान उग्रेशन को उपस्थित रे से मणिटी को पुनरुद्धार कथा घोषणा कले केमिति मणिटी मुझे उद्धार करी भगवान कृष्ण से कथा समस्त सामने एवं उग्रेशन उपस्थित रे उग्रेशन को मध्य डाकिले तुम से विराट सभा हला से सभा रे भगवान से डिक्लार कले तेणु ये मणिटी मुझे केमिति आनिली वास्तविक मणिटी आम तुम भाई को मारिकी नहीं नौ तुम भाई केमिति मल्ला से कथा एवं मणि केमिति कौ जगार मुमि आनिली सबु कथा भगवान से घोषणा कले तत्पर आनुष्ठानिक भाव सत्राजित को प्रदान कले आनुष्ठानिक भाव सत्राजित प्रदान कले पुणी समस्त सामने समस्त देखिले द्वारिकावासी निय ए मणिटी तुम्हार तुम भाई तुम स्थान तुम जगार तुम से मणिटी तुम निय तेणु एक एक समय रे अनेक लोक जो माने को सामना रे से निंदा करते समस्ते बुझीगले जे आगुरु समस्ते जानी थिले जदि जानी किए किए भी टुपटाप टुपटाप होते भगवान से जानते तेणु बर्तमान समस्त मनरे
कौन है ना जो सन्देह थिला से सन्देहटा दूर हो गला कारण संशय आत्मा विनशति यदि आम मान मनरे किसी संशय आसव ए आध्यात्मिक मार्ग से आम आध्यात्मिक जहाँ कहते स्पिरिचुआल डेथ होमर आम आध्यात्मिक जगत में आम मृत्यु होमें आध्यात्मिक मार्ग में अग्रगति करें तेणु आध्यात्मिक मार्ग अग्रगति कराया प्रत्येक संशय को आमको दूर करने को पड़ो तेणु ये संशय कि भाव दूर हम प्रभुपाद महाराज आम कि कथा रही आलोचना करवा तेणु यूर आम जाना ये जो आख्यान रु जो भगवान किभली भाव अति सुंदर भाव से जो धर्मनीति को प्रणयन कर धर्मनीति को भगवान निज अनुसरण करो मणि समस्त मणि को किभली भाव आनी सुंदर भाव अति मान जहाँ सिस्टमेटिकल वे रे से सत्राजी को प्रदान कले सत्राजी तक मणिटी पाइले समस्त मनरे जो थिला भगवान को प्रति जो निंदा से जो करा मान भगवान नहीं बोली से जो सन्देहटा को भगवान मोचन कले तेणु यही हूँ भगवान जीव प्रति भगवान दया भगवान कृपा से भगवान से कहते कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मन सुजाम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय समवामी जुगे जुगे तो भगवान आसुचंती सद्धर्म को ये प्रतिष्ठा करने केमिति जगतर लोक मैने मंगल हम तेणु से मंगल कार्य जीवर मंगल करने भगवान ये आसुचंती जगत को एकमात्र उद्देश्य जे ये जीवजगत किभली भाव सुंदर भाव से माने जीवन जापन करेंगे तांकर उद्देश्य नुह ए जीवजगत माने ध्वंस हो जातु एटा भगवान इच्छा नुहे किंतु जीवर जो सब कर्म रही आपनी कर्म दोषे आपनी डुबाइनु गोरा पहुँ ना भजिया माइनु तेणु आम देखा ए जो भगवान से कौन कर धर्म प्रतिष्ठा करिवे एवं ये धर्म नीति को जदि अनुसरण जीव कर से आनंद जीवन जापन कर तेणु से जो कथा धर्मनीति को आम जो कहे जह शास्त्र विधि मुसूर्य वर्तते काम कारत न सह सिद्धि अवम्पति न सुख न परांगति तेणु एटुक आमको सिद्धि प्राप्त हो पारानी जदि धर्मनीति को आम अनुसरण न करवा आम परम गति लाभ करानी सुख पाइबानी तेणु आमको मान सुख जदि सुखर जीवन जापन करा इच्छा प्रकाश कर धर्मनीति को अनुसरण करा पड़ो धर्म धर्मनीतिटा भगवान ही प्रणयन करेणु एटी जमी आसिक धर्मनीति को भगवान किभली भाव ये प्रतिष्ठा कले विरुद्ध जो घटनाटा घटी जो मिथ्या प्रचार को किभली भाव भगवान ताकू समाधान कले आम ए देखा से भाव आम चैतन्य चरितमृतरे स्वयं भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु से आसी ए कलिजुगर लोक मान कि सशिक्षा दे आम गोटे आख्यान आज पाठ करवा महाप्रभु जो जी श्री वृंदावन धाम प्रवेश वृंदावन धाम किसी दिन अवस्थान करुँच समय घटनाटी घटी तेणु से विषय आम ये पाठ करवा कि भाव चैतन्य महाप्रभु ये जो समस्याटा को कि भाव दूर करते तेणु से कथार ये आलोचना करवा किभली भाव काली दहरे लोक मैंने मिथ्यारे कहते कि एठी भगवान लीला करुँचे से कथा एठी आज आलोचना करवा कारण ये भगवान जदि समाधान न करे ये कलिजुगर लोक मैंने जे कि आम कृष्ण चेतना आंदोलन जो अंशग्रहण करणसी ठक हाबुड़े पड़े ना कारण आमको प्रभुपाद महाराज यही लीलाटी आम पाखे प्रतिष्ठा कर कारण एटा चैतन्य महाप्रभु स्वयं निजे किभली भाव को समाधान करुँचे जो मिछ गुजब को से कथा आम ये देखा प्राते प्रभु संगे आईला जल पात्र लया प्रभु संगे रहे गृह स्त्री पुत्र छाड़िया तेणु जड़े वृंदावन रे अधिवासी से महाप्रभुंर
सहित से किभली भाव में कीर्तन कले कि महाप्रभु प्रति से आकर्षित हले एवं से महाप्रभु संगरे किसी दिन रहापर स्त्री पुत्र मान छाड़ी से पलि आसते तेना वृंदावन पुनः कृष्ण प्रकट होइला जहाँ तहाँ लोक सब कहते लगिल तो महाप्रभु जोठा गले समस्त लोक कह लगे जे श्रीकृष्ण पुनर्वार वृंदावन में आविर्भूत होती कारण समस्ते लोकंर पटी से कथा शुणिले तेणु वास्तविक एक ठीक कौपाई ठीक ना जेहेतु स्वयं भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण तेणु से जेहेतु वृंदावन को आसी तेणु ये कथा भी ठीक किंतु लोक मानकर भावधाराटा थिला अलग तांकर चिंताधारा थिला अलग से कौन ना एक दिन अक्रुरे ते लोक प्रात काले वृंदावन होते आई से करी कोलाहले दिने सकाळे अकुर तीर्थ को बहु लोक आसीथिले सने वृंदावन रु फेरिबा समय रे एक कोलाहल सृष्टि करथिले से कोलाहल कोन थिला ना प्रभु देखी करिल लोक चरण वंदन प्रभु कैका होइते करिला गमन श्रीचैतन्य महाप्रभु देखि समस्त को देखिले एवं पचारे कौन श्रीचैतन्य महाप्रभु देखि समस्त लोक चरण वंदना करथिले श्रीमान महाप्रभु से पचारे आपण माने सब केउठारु आसिले तेनाली महाप्रभु देखुले महाप्रभु रूप तेणु महाप्रभु दर्शन करी जीव से समय मनरे गोटे विराट आलोडन सृष्टि होता तेणु महाप्रभु स्वयं भगवान तेणु स्वयं भगवान जो मैंने देखी थे निश्चित भाव में मनरे आलोडन सृष्टि ए सन्देह कौन अच्छी तेणु समस्ते जो लोग देखुले प्रणाम करुले केते केते नास्तिक लोक शरणापन्न होते तेणु लोक लोके कहे कृष्ण प्रकट कालिय दहेर जले काली असिरे नृत्य करे फणा रत्न जोले तो लोक माने कहिथिले कृष्ण पुनर्बार काली ह्रद जलरे प्रकट होइचंती से काली सर्पर फणा उपरे नृत्य करुचंती एवं फणार रत्न सब झलमल करुचि से लोक माने जो कोलाहल करुथिले महाप्रभु चले काई कोलाहल कोथि पे करुचो ना देखंतु काली ह्रद रे भगवान कृष्ण पुनः थरे प्रकट होइचंती एवं से सर्प फणा उपरे से कौन करुछन्ती ना नृत्य करुछन्ती तेणु से फणार रत्न सबू झलमल करुछि तो लोक माने एही कथा श्री श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु को कहिले तेणु महाप्रभु से पुणी कहुछन्ती साक्षात देखिल लोक नाही क संशय सुनि हासि कहे प्रभु सब सत्य हय तो समस्ते स्वयं कृष्ण को दर्शन करते कि मात्र सन्देह ना यह शुण श्रीचैतन्य महाप्रभु हसी हसी कहले आपण मैने कहले सत्य अटे नेठी से लोक मैंने कहले जो भगवान किभली भाव में कालिय दहरे प्रकट अच्छा बोली कथा जो कहले आम मैंने निज आखिरे देखीचु ए सन्देह ना आमर जो रही प्रत्यक्ष प्रमाण मध्य भूल प्रमाण जो रही प्रत्यक्ष ऐतिह एवं शास्त्र हाँ अनुमान एवं हाँ तेणु से प्रत्यक्ष प्रमाण एवं पर आमर जो रही शास्त्र प्रमाण तेणु प्रत्यक्ष अनुमान एवं ऐतिहा इतिहास जो रही प्रमाण तेणु ये जो चारिटी भितर आमको शास्त्र प्रमाण को सिद्धांत बोली ग्रहण कराया पड़ कारण ये जो पूर्व तीनटा एथेरे कहीं आम ग्रहण करूने ना जेहेतु आमर इंद्रिय गुड़िक दोष दुष्ट रही तेणु जीव निश्चय भूल कर जीव माय द्वारा मोहित हे जीवर इंद्रिय गुड़िक दोष दुष्ट रही तेणु से निश्चय ठकब तेणु ये जो चारोटी डिफेक्ट रही से कि प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण एवं ऐतिह प्रमाण को आम सिद्धांत बोली ग्रहण करवा ना आम ग्रहण करवा शास्त्र प्रमाण कारण यहाँ अपूर स्वयं भगवान निजे आपको प्रणयन करेणु भगवान पाखे ये डिफेक्ट गुड़ा देखा जाए ना
साधारण जीव पाखे देखा जाए तो साधारण जीव जदि कह कृष्ण को देखी कथा को आम विश्वास करा उचित नुहे तेणु एटि शास्त्र साक्षात देख लोक नाहीं को संशय तेणु लोक मैंने कहते समस्ते स्वयं कृष्ण को दर्शन कर संदेह नहीं कहते तेनाली चैतन्य महाप्रभु हसिले एवं हसी कौन कहले ना आपण मैंने जहाँ कहले सत्य अटे कारण चैतन्य महाप्रभु कह तुम्हें जहाँ कहले सत्य कहीं स्वयं भगवान कृष्ण आज वृंदावन अवस्थान करयं भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु तेणु से मैंने लोकों कथा अनुसार महाप्रभु देखे हसिले सी भी ठीक किंतु एई मत तीन रात्रि लोकेर गमन सबे आसी कहे कृष्ण पाइलु दर्शन यहीपरि तीन दिन धरी लोक कृष्ण को दर्शन करने को कालिया ह्रद जाइले समस्ते सेठारु फेरी कहले आम स्वयं कृष्ण को दर्शन करिछु तुम्हें यही भाव में तीन दिन पर्यंत यही गुजब चलीला तेणु तापर कौन है पुणी प्रभु आगे कहे लोक श्रीकृष्ण देखिल सरस्वती यही वाक्य सत्य कहल समस्ते श्रीचैतन महाप्रभु निकट को आसी कहले आम मैंने भगवान कृष्ण को प्रत्येक भाव दर्शन कलु यह भाव में ज्ञानदात्री सरस्वती कृपा बल से सत्य कह महाप्रभु देखी सत्य कृष्ण दर्शन निजा गाने सत्य छाड़ी असत्य सत्य भ्रम तो लोक मैंने श्रीचैतन्य महाप्रभु को देखा बेले वास्तव में श्रीकृष्ण को देखिले एटा जहाँ कहुआ सत्य कथा किंतु मात्र निजर त्रुटिपूर्ण ज्ञान अनुसरण करूँ असत्य को कृष्ण रूपे देखी थे जेहेतु तर त्रुटिपूर्ण ज्ञान अनुसरण करणर जो ज्ञान यहाँ कौन थी ना प्रत्यक्ष आम देखीचु तेना प्रत्यक्ष कृष्ण को देखीचु बोली जो कहले तेणु यह कथाटा हो असत्य से प्रमाण करने कौन है ना तापर पर बलभद्र भट्टाचार्य थे जे कि श्रीचैतन्य महाप्रभुंकर सेवक हिसाब से थे आम ये वृंदावन जात्रा लीलार देखा कि बलभद्र भट्टाचार्य केते निष्ठार सहित स्वयं भगवान श्रीकृष्ण चैतन्यंकर सेवार निजुक नियोजित करते तार कहार उद्देश्य हो आम यूर आम देखा भट्टाचार्य तबे कहे प्रभुर चरणे आज्ञा देह जाई करी कृष्ण दर्शने तेणु एतिक बेले से बलभद्र भट्टाचार्य श्रीचैतन्य महाप्रभु पाद पद्मरे एक निवेदन करिथिले से कहिथिले श्रीकृष्ण प्रत्येक भावे दर्शन करने को मत दयाकोरी अनुमति प्रदान करतु तेणु बलभद्र भट्टाचार्य से केते निष्ठापर भाव में श्रीचैतन्य महाप्रभुंकर सहित से जोड़ी थे बलभद्र भट्टाचार्य ता पूर्वर से देखुंट महाप्रभुंकर जो सब भाववेश कि भाव में बलभद्र भट्टाचार्य देखिले स्वयं भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो बड़े झाड़ी जो झाड़खंड जंगल दे जाऊँगी बाघ सिंह हरिण ए मैंने कि भाव में मैंने आम मयूर ए आउ मैंने हाथी कि भाव में आसी भगवान सहित भाव आदान प्रदान कर देखी पश्चिम से देखी सब जिन स्वयं निजे आखिरे देखुं कारण भगवान लीला को आखिरे निज आखिरे दर्शन कर भगवान संग कर भगवान उचिष्ट सेवन करलभद्र भट्टाचार्य मनरे जो सन्देह आसी जाऊँगी मुझी कौन ना प्रत्येक भाव दर्शन करी मत अनुमति दिंतु स्वयं कृष्ण पाखे रही जीवर जो भावना धारणाटा जो आसूची से उपर प्रभुपाद महाराज तर कि भाव सुंदर भाव से भावार्थ बुझुं विभ्रांत लोके श्रीचैतन्य महाप्रभु को देखुवा बेले प्रकृत श्रीकृष्ण को देखुले किंतु से भ्रम उपजिला श्रीकृष्ण कालिय ह्रदर को आसी
ସେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଭାବିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କାଳିଓ ହ୍ରଦରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କାଳିଓ ହ୍ରଦରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭୁଲ। ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ କାଳିଓ ସର୍ପର ଫଣା ଉପରେ ଲୀଳା କରୁଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ କାଳିଓ ନାଗର ଫଣାରେ ରତ୍ନ ସବୁ ଝଲସୁଥିଲା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଏବଂ ହ୍ରଦରେ ଏକ ନାବିକର ଆଲୋକକୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନା, ଯେଉଁ ନାବିକମାନେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ହ୍ରଦରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଲୋକକୁ ସେମାନେ ଦେଖି ସେମାନେ ଏହା ଭାବିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାଜୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କୃପା ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରିବ, ତା ନହେଲେ ସେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ସେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଭାବିବ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାଜୀ ଲେଖିଲେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବଳଭଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବାନି, ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ନଗଣ୍ୟ ତାହା ଆମେ ବିଚାର ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ସେବା, ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଲୀଳାକୁ ନିଜେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଯାଉଛି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଜବ ସବୁ ରହିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି କହିଲା ଯେ ଆମେ ରୁଟି କରିଛୁ, ସେ ରୁଟିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ କଥା ଶୁଣିକି ଆମର ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ଆମର ନାମ ହଟରେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ସେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆସ ଆମେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେ ଜାଣିଛ ନାମ ହଟ ପିଲା ଯାଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକି ସେ ଅବଧୂତ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଲିଡର, ଅବଧୂତ ପ୍ରଭୁ ଆସି କହିଲା ଆମ ଘର ରୁଟିରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି, ଆସୁଟେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ସେ ଧାଁ ଧପଡ଼ ହେଇ ସମସ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ଅବଧୂତ ସେଥିରେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ରୁଟିରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୁଜବ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଗୁଜବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତା'ର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁଜବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ କୃପା ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ କାଳକ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ଆମର ସଂସ୍ଥାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁକି ପ୍ରଭୁପାଦ ହେଲେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତିକି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛେ ନିଜ ଆଖିରେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ ଭାରତର ବାହାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟତେ, କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଆଜି ବଳଭଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନରୁ ଯେମିତି ଏ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଯେମିତି ଦୂରେଇ ଦେଲେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟବର୍ଗ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ତାକୁ ବିତରଣ କରିକରି ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭୁପାଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବୁଲିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିସାରିଲେଣି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ଉପାୟରେ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର
तो रही समुद्र भली शास्त्र तेणु आम शास्त्र भितर प्रवेश करें से मानने कलीजु जो प्रवेश करुच्ची से समय रे सुत गोस्वामी को प्रश्न करुच्ची नमी शरण ऋषि मैंने सनुगादी ऋषि मैंने जो शास्त्र अनेक तर सिद्धांत भी विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार मत सब प्रकाश करुच्ची तेणुक आम मानकर कर्तव्य हूँ कौन ना आपण से जहा जा सब पढ़ी मानने मूल मानने मुख्य मुख्य वस्तु सब जानते कृपा कर आम पाखे प्रकाश करूँ कारण आम पाखे समय ना आम मैंने कली प्रवेश जो कला पेटपाई आम सब समय सरीज ए देह चिंतार सब समय आम सरीज देह को मेन्टेन करवा एवं देह गेह चिंतार सब समय गुड़िक आम सरीज आम पाखे आ समय नप करूँ केत केत आम भगवान सेवा करूँ केत गीता भागवत पढ़ू यह सब समय कहीं आम पाखे आम पा तो समय नहीं पेट को पशिया को आउ समय पुणी आम ये सब आलोचना केत तेणुक आम को आप मुख्य मुख्य वस्तुगुड़ कहतु तेणुक ये सुत गोस्वामी ये श्रीमद भागवत आख्यानटी पाखे प्रकाश कले भक्त आ भगवान भितर जो संबंध जो सब रही जो लीला रही प्रकाश कले तेणुक आम से देखा प्रभुपाद महाराज मध्य से अनेक जो ग्रंथ रही अनेक प्रकार कथा जो रही से सब उड़ा कथा प्रभुपाद महाराज सब छाड़ी आम मानी जी निहाती दरकार तांकर भावार्थर आम पाखे प्रकाश कर प्रभुपाद महाराज कौन सी वस्तु को प्रभुपाद छाड़ी ना आज जो सर्कट वर्तमान जो आम भावार्थ जो पढ़ुचे यहाँ हूँ आमर मुख्य वस्तु जे गुरु कृपा बल मनुष्य सब कौन वस्तु स्वरूप जापर ना तेणु गुरु कृपा बिना आम जापर ना भगवान बुझीपर ना शास्त्र बुझीपर से आमर जो बड़े बाली रे व्यास पूजा होता तेणु गुरु महाराज गोटे सुंदर कथा उपर गुरुत्व देते से श्लोकटी हूँ कौन ना जस्या देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तसे ता कथित हेता प्रकाशंत महात्मन कारण जो ये वैदिक ज्ञान आम आम हृदय प्रकाशित हम केतबले आम गुरु एवं कृष्णंकर सेवार निजुक नियोजित करवा गुरु को छाड़ी डायरेक्ट कृष्ण सेवा कले वैदिक ज्ञान आमर भितर प्रकाशित हो पार ना कारण आम गुरु बिना कृष्णंकर तत्व विषय में आम अवगत हो पार ना कृष्ण को बुझीपर ना कृष्ण को दर्शन भी करपर ना तेणु से कि कहुची गुरु कृपा बल मनुष्य कौन वस्त्र स्वरूप जापर तो ना से जदि कृष्ण को प्रत्येक रूप देखा चेष्टा कै ते से भ्रम पड़ एक साधारण मनुष्य को कृष्ण रूपे और कृष्ण के साधारण मनुष्य रूपे भाव तेना प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को आत्मानुभूति गुरु द्वारा प्रदर्शित वैदिक शास्त्र उपदेश अनुसार दर्शन कर प्रभुपाद महाराज आम को कृष्ण को दर्शन दे आम पाखे कृष्ण को दर्शन कराई शास्त्र मध्यम कलम मुन में आम को कृष्ण को देखते तेनालीं कि आम संस्थान लोक मैंने हठात कहीं विचलित होना से प्रभुपाद महाराज सब कथा गुड़िक आणिक आम पाखे रखिंट स्पेशल ये जो पॉइंट आम जो आज पढ़ुचे ये भावार्थता तेनाली पुणी कहते प्रभुपाद महाराज जन निष्ठापर व्यक्ति से गुरुदेव जरिया कृष्ण को दर्शन करने को समर्थ हो तेना गुरु जो निष्ठा आसीज से निष्ठा बल से कृष्ण को दर्शन करने को समर्थ हो कारण गुरुदेव कृपा बिना कई कृष्ण दर्शन करपर ना से भगवान निजे कहते मोर डायरेक्ट भक्त जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान महाराज की जय तो मोर डायरेक्ट भक्त मत जापर न जापर कि मो पाक आसीपार न आसपार कितु मोर भक्तर जे भक्त से निश्चय मो पाक आसब से कि सब बड़ बड़ भक्त मैंने प्रार्थना करे तब पादेक मूलम दासानु दास अवतास्मी भूय तेणु से बुतरासुर कहले हे प्रभु मत आपणकर दासंकर दास कर दिंतु तेणु ये भाव एटी गुरु प्रदत्त ज्ञान उद्भासित नहले
ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସତତ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆହୁରି ଭିତରକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ପଶୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁକୃପା ବଳରେ ସେ କେମିତି ସେ ଗୁରୁକୃପାଟା ଆମକୁ ମିଳିବ ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କେତେ ଭିତରକୁ ଭିତର ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିବା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ନହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସତତ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ପାଦସେବାର ସଦାବେଳେ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ରେ କି ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ସବୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଗବତ ଯଦି ଶ୍ରବଣ ନ କରିବା ବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପର୍ପଟ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବା ବା ନ ଶୁଣିବା ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପାଇବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚିଟିଂ ପ୍ରପେନ୍ସିଟି ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ବସିବା, ଯାହାର ଯେଉଁ ଗୁଣ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପଦାର୍ଥ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁକି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାଳୀୟ ହ୍ରଦର ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁକି ଏ ଭାବାର୍ଥଟା ଆମେ ଏଠି ପାଠ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ଆମେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆସିଛେ ଆମେ ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳୀୟ ହ୍ରଦର ଏଇ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ଅଟେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ। କାରଣ ବଳଭଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିକି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି କାଳୀୟ ଦହକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମନେ ପଡ଼େ କି ଆମର ପରମାନନ୍ଦ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଆସି, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଅଟଳା ଫାର୍ମରେ ରହି ସେ ମାନେ ଗୋସେବା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ସେବା କର ତୁମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ମିଳିବେ, ତେଣୁକରି ତୁମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେବା କର ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର, କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ଦେଖାଦେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଧାରାର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଥରେ ଆମେ ଗୁରୁମାଜଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ପୁରୀ, ତେଣୁ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଭକ୍ତ ସେ ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯିବା କି, ଗୁରୁମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବା ଗଜପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଆଗ, ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ଗୁରୁମାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମାନେ କଥାରୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯିଏ ନବାଗତ ଭକ୍ତ ସେ ଭାବିବ ଆମେ ତ ପୁରୀ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ଦେଖା କରିକି ଆମେ କାହିଁକି ଗଜପତିଙ୍କୁ ଯିବା ଦେଖା କରିବାକୁ। କାରଣ ଏଇଟା ଗୁରୁମାଜ କହିଲେ ଆମେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଯେଉଁ ସେ ସମୟରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବାଲିରେ ଥିଲା, ସେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବେ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇଛେ ଆମ ଅଫିସ୍ କାମରେ କି ଆମ କାମରେ ଯାଇଛେ, ତେଣୁ ଆଗ ଅଫିସ୍ କାମ ସାରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆମେ ସେଇଟା ଭାବିଦେଲେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ଅଫିସ୍ କାମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ ଯେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ତେଣୁକୁ ଏଇ ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ
से राति सारा जिते शोई राति सारा से देखुंत कि भाव से जगन्नाथ मंदिर बुलुंच जगन्नाथ दर्शन कर प्रसाद पाँच ये भाव में राति सारा से जगन्नाथ को दर्शन करुं सका निद भांगा जिते जगन्नाथ दर्शन से सरला तापर जिते पुणी गुरु महाराज आस पचारे कौन देवगी नंदन जगन्नाथ दर्शन हेले तेना गुरु महाराज पचारेणु ये भाव में देवगी नंदन प्रभु से कहले हाँ गुरुदेव आपण कृपार मु जगन्नाथ दर्शन कली तेणु से कथा गुरु महाराज कहले गुरु कृपार तुम्हें भगवान दर्शन कर तेणु तुम निज चेष्टा बल तुम्हें पार ना तेणुक आमर कर्तव्य हूँ आम मैंने समस्ते निष्ठापर भाव आम श्री गुरुदेव सेवा करवा कारण श्री गुरुदेव तांकर श्री गुरुदेव आम को ग्रहण करम को से श्री गुरुदेव सेवे नियोजित करा सेवा नुहे ये तो गुरुदेव सेवा तेणु से सदा सर्वदा गुरु महाराज जिते आम को दीक्षा देते से समय कही बारंबार भी से कहते क्लास मु तुमको मानक जो ग्रहण करोर एकमात्र उद्देश्य हूँ प्रभुपाद सेवा केमी तुम्हें निष्ठापर भाव कर तेणुक प्रभुपाद सेवा करने मु तुमको ग्रहण कर मो सुखपाई मु तुमको ग्रहण करना तेनाली आमको जो सी ग्रहण करवल प्रभुपाद सुख प्रभुपाद गुरुदेव को सुख प्रदान करने आम जिते निष्ठापर भाव में ये भगवान को सेवा करवा से गुरु महाराज खुशी हे कारण गुरुदेव सेवाटा ठीक भाव जब हम से भारी खुशी हे कारण आम जो ठीक आसीलु गुरु महाराज आम फोन कले से समय आमको कौन से सब तुम सो कल तेणु से समय आम अकिंजन प्रभु थे से कहले गुरुदेव ए अमाई किसी फूल गस सो लगे चारिकर से सो छोट छोट गच सो आ लगे फूल टे फुटी कारण गुरु महाराज ता पूर्व आसी देखी रामजी फूल नाला कदमी गच नाला कदमी पत्र खोजिले गुरुदेव हाँ तर मणिपुर रे सब कार्य गुड़े सब कदमी पत्र जो देव कार्य सब नियोजित मानते व्यवहार हुए आम ओडा हुए तेनाली खली पत्र आम एवहार करदे कि कदमी पत्र बहुत से बहुत भाव में मिले आम ओडार भी मिलूँ कि लोक मैंने प्रति ध्यान दौना तेणु जहाँ भी हम गुरु महाराज ये सब इनस्ट्रक्शन थी तेणु से जो लक्ष्मीजन प्रभु कहले कि गुरुदेव अमाई किसी फूल गच ये लगे फूल फुटिलानी तो गुरु महाराज सांगे सांगे बहुत खुशी हो गले गुरु महाराज कहले मु दीर्घ दिन धरी मणिपुर रे मु भक्त मानू राधा कृष्ण चंद्रंकर पाखरे तांको सो रखिली घर द्वार कर सो रखिली सब सुव्यवस्था कली किंतु गोटे फूल गस लगे फूल टे तोलिक भगवान को दे पार नथिले तो सेतिपई गुरु महाराज हैं से कंपेयर करी आम मानक उत्साह प्रदान कले तुम्हें जो कर खुशी अच्छी तेनाली आशीर्वाद रु आज आम डायरेक्ट जहाँ सब फूल ये सब मैंने पिंधा पिंधुचार ठाकुर सबू आम बाड़ी बगिचार होता गुरुदेव कृपा एवं आमर जो कदमी मान पतर ये कौन अभाव ना तेना कदमी गच ये मन को भी तार उठी उठी मानते चली तेणु ये सब से साधु गुरु अहेतुक कृपा ना यहाँ संभव नुहे तेणु ये भाव केते सुंदर भाव में वर्णना करें जो सब कथा देखिले तेणु प्रभुपाद महाराज आम मान ये कृष्ण चेतनार अग्रगति करने को आग्रह व्यक्ति मान पक्ष कालिय ह्रदर यह घटना अत्यंत शिक्षाप्रद अटे तेनाली जो लीला ये जो कर श्री चैतन्य महाप्रभु ये लीलाटा आमपाई बहुत आवश्यकता रही श्लोक कौन कहते परे तबे तारे प्रभु तबे तारे कहे प्रभु चापड़ मारिया मूर्खेर वाक्य मूर्ख होइला पंडित हया तो महाप्रभु कौन कले ना बलभद्र भट्टाचार्य गोटे चापड़ा मारे श्री बलभद्र भट्टाचार्य जिते कालिय ह्रदरे कृष्ण को देखा जीवाकु अनुमति मागिले सेतेबेले श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा परवश होई तांकु एक चापड़ मारी कहिले तुमे जने पंडित लोक होई मूर्ख मानक कथा रे पड़ी मूर्ख पाल्टी जाइछ तो महाप्रभु से कारण बलद भट्ट गोटे चापड़ा मारे तेणु आम एट बुझा जे मूर्ख कथा रे पड़ी तुम मूर्ख भाया कहीं हौच कारण चैतन्य महाप्रभु कहार उद्देश्य हो
ଯେ ଆମେମାନେ ବିଚାର କରିବା ବଳଦେବ ବଳଭଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟର ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏ ଗୁଜବରେ ଫସିଯିବା, ଯେମିତି କହିଲି ସେ ରୁଟିକି ଦେଖିକି ଆମର କେତେଜଣ ଭକ୍ତ ପଳାଇଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ରୁଟିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା ସବୁ ଏଠି କହିବେ। ଆମର ସନ୍ଦୀପନି ମୁନି ପ୍ରଭୁ ବି କହୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ଗଦା ହୋଇଗଲେଣି ଭକ୍ତ। ତେଣୁ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛି, ତା ମନ୍ତ୍ରର କିଛି ଆଗ ନାହିଁ ପଛ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ମନ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ବହିରେ ବି ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ ଭେଳା ଭେଳା ହେଇକି ବସି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତ କାରଣ ଆମେ ହରିନାମ କଲେ ଆମ ମନ ସରଳ ହୋଇଯିବ, କୋମଳ ହୋଇଯିବ, ଆମ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। କାରଣ ଗୋଟେ ସରଳ ହୋଇଗଲେ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ତା କଥା ହଁ ମାରିଦେବ ହେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନାହିଁ, ଯାହା କହିବା ତାକୁ ସମାଧାନ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ ତା ପୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବା। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରେ, କୃପା ପରବଶ ହୋଇ ବଳଭଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାପୁଡ଼ାଟା ମାରିଲେ। ଦେଖ କେତେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଛୁଆକୁ ଚାପୁଡ଼ାଟା ମାରିଦେଉଛେ, ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କାହାର ବାହାର ପିଲାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିପାରିବା, ଚାପୁଡ଼ା ମାରିପାରିବାନି। କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ଦେଶର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଆଦର ପ୍ରୀତି ଏସବୁ ରହିଛି, ଆମେ ଯଦି ମନେକର ଆମ ଦେଶ ସହିତ ଆମେରିକାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଆମେରିକାରେ ଯାହା ଘର ତା ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଲୋକର ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନ, ତା ନାଁ ଜାଣିନଥିବ, ତା ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ତା ବଗିଚାକୁ ବି ଯାଇପାରିବ ଯଦି ଓପନ୍ ଥିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଯାହା ଘରକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ଆମ ଛୁଆ, କାହା ବଲ୍ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, କାହା ଘରକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପଶିଯାଉଛି, ବଲ୍ଟା ନେଇଯାଉଛି ବାରିକି, ତାଙ୍କ ବାରିକି ସେ ଯାଇପାରିବନି। ଯଦି ଯିବ ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି, ସେ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ସୁଟ୍ କରିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ସୁଟ୍ ବି କରିପାରିବ, ତାକୁ ବନ୍ଧୁକରେ ବି ମାରିପାରିବ। ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଦେଖ, ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଅଛି, ଭାଇ ଭାଇଚାରା ରହିଛି, ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ସୁର କାରଣ ଏଠି ଧର୍ମ ରହିଛି ବୋଲି କିଛିଟା ଅଂଶରେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଏଠି ବଳଦ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ ଗୌରବଦଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେ ତାଙ୍କ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିରେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପିଟିଛନ୍ତି। କାହିଁ ପିଟିଛନ୍ତି ନା, ସ୍ନେହରେ ପ୍ରୀତିରେ ପିଟିଛନ୍ତି, ମାନେ ରାଗି, ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ କ୍ରୋଧ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ, ଏତେ ସ୍ନେହ, ଏତେ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚିଠିରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୋମଳ କଥା କହି ଟାଣି ଆଣୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛେ, ଆମେମାନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯଦି ନ କରିବା, ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଆମେ ଠକିବା, କାରଣ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ତ ଆମ ସ୍ଥିତିଟା ହେଉଛି ଆମେ ଠକ, ଆମେ ଠକିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଏଠି ରହିକି ଯଦି ଭଗବାନ ସେବା ନ କରିବା, ଏତେ ପ୍ରକାରର ଫାସିଲିଟି ଦେଇକି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯଦି କରି ନପାରିବା, ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ନପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟା ପୁରା ବେକାର ହୋଇଗଲା। ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଉ ପାଇବାନି। ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ଆମେ ଫେରିଲେ ଆଉ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ବି ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବାନି। ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଶଙ୍କରଷଣ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଯଦି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନ ହୋଇପାରିଲ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ସୁଖ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ବଳଭଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କୃପା ପରବଶ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ା ମାନେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ହେ। ମାରିକି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ତୁମେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ହୋଇ ମୂର୍ଖଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୂର୍ଖ ପାଲଟି ଯାଇଛ ହେ। ତେଣୁ ମାୟା ଏପରି ବଳବାନ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସତତ ରହୁଥିବା ବଳଭଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପର୍ପଟ କହୁଥିଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ୟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମାୟା ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବଳଭଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ କରିପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ କଥାରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କାଳିଆ ହ୍ରଦକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସେବକକୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ବୋଧତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ସେ ଗାଳି ଦେଇ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ବା ଅଧିକ କ'ଣ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ
आमे अन्य कहारी कथा शुणा उचित नुहे जी कथा कौच आजिकल जुगरे से ढंग करुच्ची आम मान विचलित करने कि प्रभुपाद महाराज तांकर फलर मान को जी निष्ठा कर आज षोलमाला जप कही करू नथिले प्रभुपाद ताहा माने कहिबारु आज स्टूडेंट मान षोलमाला जप करुछंती बिजनेसमैन षोलमाला जप करुछि समस्ते तांकर पाठ पढ़ी षोलमाला से जप करुछंती आम देखिबा आमर जने गुरु भाई अछंती श्याम सुंदर प्रभु तांकर पुआ आमर जो अमरेन्द्र प्रभु हैं से गुरुमाय तांग घर को बहुत समय जाती तेणु सी पाठ पढ़ा समय के शास्त्र रे पंडित अर्जन करदे आश्चर्य लगे तेणु किभ भाव यह सब संभव हो तेणु प्रभुपाद महाराज ये कृपा अब तो आउ कि नुहे आम बुझा तेणु से प्रभुपाद ये कहते माया एत शक्तिशाली जे भगवान पाखे लोक कौन हो विचलित हो जाए लोक कथार तेणु से चैतन्य महाप्रभु या समाधान केमी कले ना संगे संगे कहते कृष्ण केने दर्शन दिबे कलिकाले निज भ्रमे मूर्ख लोक करे कोलाहले तेणु कलिकाल कृष्ण कहीं अवतीर्ण हे तेणु मूर्ख लोक मैंने भ्रांत हो केवल एपरी कोलाहल करेणु श्री चैतन्य महाप्रभु प्रथम उक्ति कृष्ण केन दर्शन दिबे कलिकाले महाप्रभु सांगे सांगे शास्त्र को आणिक आम पाखे रखिले तेणु प्रत्येक यदि कथा कह पूर्व प्रत्येक वस्तु को आम शास्त्र चक्रे देखा कारण साधु शास्त्र आत्मा रूपे आपना जना कृष्ण मोर प्रभुत्राता जीवर हय ज्ञान तेणु साधु शास्त्र आत्मा परमात्मा ये तीनो आमको कृष्ण विषय इनफर्मेसन दिये तेणुक चैतन्य महाप्रभु संगे संगे प्रथम कथार कहते भावार्थ प्रभुपाद बुझौंज कृष्ण केन दर्शन दिवे कलिकाल ये चैतन्य महाप्रभुरा प्रथम कथा एवं तापर पुणी कहते एटा शास्त्र उल्लेख अच्छे शास्त्र अनुसार कृष्ण द्वापर युगर अवतीर्ण हूँ किंतु से कलिजुगर कदापि स्वयं अवतीर्ण हूँ ना बरम से कलिजुगर प्रच्छन्न रूप अवतीर्ण हूँ भागवत उल्लेख अच्छी कृष्ण वनम तोषा कृष्णम सांग पांगस्त पार्शदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमदेश कृष्ण कलिजुगर एक भक्त श्रीचैतन्य महाप्रभु पर निजर अंतरंगा शक्ति अद्वैत प्रभु श्री नित्यानंद प्रभु शिवास प्रभु और गदाधर प्रभु सर्वदा सांगरे नहीं अवतीर्ण हूँ श्री बलदेव भट्टाचार्य कृष्णकर भक्त अवतार श्रीचैतन्य महाप्रभु को सेवा करुले कृष्ण एक साधारण मनुष्य एवं जड़े साधारण मनुष्य कृष्ण बोली भ्रम पड़े कारण से शास्त्र एवं गुरु प्रदर्शित नियम अनुसरण करुन प्रपद महाराज एटा फाइनाल करदे तेणु कारण से शास्त्र चक्रे प्रथम कहले कृष्ण कैन दर्शन दिव्य कलिकाल महाप्रभु कहले बलभद्र भट्टाचार्य तुम्हें पंडित कि मूर्ख भाया कहीं हौ जमी अर्जुन को कहले ए पंडित भाया मानने कथा कौच कि मूर्ख भाया कथबार्ता कर तेणु तुम यही भाव में बलदेव भट्टाचार्य मानने चैतन्य महाप्रभु कहते अरे कृष्ण केन दर्शन देवे कलिकाल कृष्ण कौन कलिकाल कलिजुगर दर्शन देवे स्वयं निजे से नृस्वयं प्रकाशित होना से जदि केमी ना भागवत जो लेखा अच्छी ये कृष्ण मन तोषा कृष्ण सांग पांगस्त पार्षद कलिकाल भगवान ये श्रीचैतन्य महाप्रभु रूप से सांग पांग पार्षद मानक नहीं आसवे एक लेखा अच्छे शास्त्र में कि कौट लेखाएनि कलिजुगर भगवान अवतीर्ण हे कृष्ण द्वापर युगर अवतीर्ण हे से कथा आहरी कथ जो मानने आम से विषय में आलोचना करवा प्रभु सदा कहते भागवत में से कथा वर्णना कराई कि भाव में आमर ब्रह्माजी प्रत्येक दिन में किभ भाव एक कौन आम अठाईसतम दिव्य युग एवं से अठाईसतम दिव्य युगर एकोशतम द्वापर में भगवान कृष्ण आसती सदा बेले भी कृष्ण आसती एक सब लेखाही आगुरी तेनाली कृष्ण से अनुसार आसती जगत को तेणु ये भगवान चैतन्य महाप्रभु बलदेव भट्टाचार्य कहले जे प्रभुपाद से लिखिले भ्रम पड़ते कारण से शास्त्र और गुरु प्रदर्शित नियम अनुसरण करुन तेणु शास्त्र को सी मानुन तेणु से कहुए गुरु हे से शास्त्र को मानवे और गुरु प्रदर्शित मार्ग को अवलम्बन करेंगे तेणु जी गुरु हम
ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିବେ ଏବଂ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିବ, ସିଏ ହିଁ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ ନା। ତେଣୁକରି ବାତୁଲ ନା ହୟୋ ଘରେ ରହ ତ ବସିଆ, କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିହ କାଲି ରାତ୍ରେ ଯାୟା। ତେଣୁ ବାତୁଳ ପ୍ରାୟ ହୁଏନି, ଘରେ ବସି ରୁହ, କାଲି ରାତିରେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜି ତୁ ଯା ନା, କାଲି ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖିବ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ସମାଧାନ ମନକୁ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାତଃ କାଳେ ଭବ୍ୟ ଲୋକେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାନେ ଆଇଲା, କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ଆଇଲା ପ୍ରଭୁ ତାହାରେ ପୁଛିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ କେତେକ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କି? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ? ସେ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ। ଲୋକ କହେ ରାତିରେ କୈବର୍ତ୍ତ୍ୟ ନୌକାତେ ଚଢ଼ିଆ, କାଲି ଅଦହେ ମତ୍ସ୍ୟ ମାରେ ଦେଉଟି ଜୁଆଲିଆ। ଏହି ସନ୍ମାସ୍ପଦ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ରାତ୍ରିରେ ଜଣେ କେଉଟ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଲୁଅ ଜାଳି କାଳିଅ ହ୍ରଦରେ ମାଛ ଧରେ, ତେଣୁ ଦୂର ହୋଇତେ ତାହା ଦେଖି ଲୋକେ ରହୟ ଭ୍ରମ, କାଲି ଏର ଶରୀରେ କୃଷ୍ଣ କରିଛେ ନର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଦୂରରୁ ତାହା ଦେଖି ଲୋକେମାନେ ଭୁଲରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କାଲିଅ ସର୍ପର ଫଣା ଉପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନାଚୁଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନୌକାତେ କାଲିଅ ଜ୍ଞାନ ଦୀପେ ରତ୍ନ ଜ୍ଞାନେ, ଜାଲିଆରେ ମୂଢ଼ ଲୋକ କୃଷ୍ଣ କରିମାନେ। ଏ ମୂଢ଼ ଲୋକେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ନୌକାକୁ କାଲିଅ ସର୍ପ ଆଲୁଅକୁ ସର୍ପ ଫଣାର ରତ୍ନ ଏବଂ ଜାଲୁଆକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନେ କୃଷ୍ଣ ଆଇଲା ସେଇ ସତ୍ୟ ହୟ, କୃଷ୍ଣର ଦେଖିଲ ଲୋକ ଇହା ମିଥ୍ୟା ନୟ। ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସିଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ କାଳିଅ ଦହକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଳିଅ ଦହରେ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କାଳିଅ ଦହର ଘଟଣାଟା କ'ଣ? ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଏଠି ସମାଧାନ କଲେ କି ସେଠି ଗୋଟେ ଧୀବର ତା ମସଲା ଜାଳି ମାଛ ମାରେ। ଏଇ କଥାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଦୂରରୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଇ କଥା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସି କିଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ଲୀଳା ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କଥା ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ସେ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରେ। ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ଉଠିଥିଲା, ସତରାଜୀ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ଉଠାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲ ୱେରେ କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ଭଦ୍ରାମିଷ ସତରାଜିତକୁ ଡାକିଲେ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଣିଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ ମଣି ବିଷୟରେ କହିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଠି ଥିଲା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସତରାଜିତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ, ନିଜକୁ ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ମନ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇ ମାନେ ମଣି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଏଠି ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଭଳି କାଳିଅ ଦହରେ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ଉଠିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ସେଇଭଳି ଗୁଜବ ଉଠୁଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେଣି, ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶା ଛାଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇଭଳି କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯାହା ହେଉ, ସେମାନେ ତ ସାଧୁଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ସର୍ବଦା ଆମେ ଏଇ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଧରିବା, ଏଇ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନା ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ବଳଭଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ କୃପା କରିକି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ଏ ମାନେ କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ବାଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଯଦି ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଫଲୋ ନ କରିବା, ତାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ପାଳନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଯିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ
आज आम जो आलोचनार विषय थिला तुम आज आम ये कथा विश्राम दवा तेणु निश्चित भाव आज आम जो आलोचना कले समस्ते समस्त यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा थिला चैतन्य महाप्रभुंकर जो लीला आम जो पाठ कले तो समस्त एति ध्यान देवा दरकार कहीं भी कौन सी कहारी कथा आम शुणा उचित नुहे आम अंतराष्ट्रीय कृष्ण भावानामृत संघ में अंतर्भुक्त होचे एवं आम को प्रभुपाद महाराज जहाँ दरकार सबू जिनस रखिदेई आमर कथा हूँ आम प्रत्येक दिन तांकर निर्देश पालन करवा जो रही जो शास्त्र से जहाँ जहाँ सब वर्णना कर प्रत्येक दिन आम पढ़वा ताहले आमे केबे हेले कहार गुजब द्वारा प्रभावित हबाना आमे निश्चित भाव ए जन्मरे भगवान श्रीकृष्ण प्राप्त हबा एते तिले मात्र सन्देह नाही। जय जय ग्रंथनाथ भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान महाराज की जय। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। संवेत गौर भक्तवृंद की जय। हाँ हाँ आमर संदीप मणिमणि प्रभु गोटे आमर डिक्लारेसन देती आमर मंदिर तरफ यहाँ कह जाऊँ इस्कन इंडिया यूथ काउंसिल से आमर समस्त जानतु जो मेगा वेबिनार रजिस्ट्रेशन कौन गोटे होती डॉक्टर विवेका बिंद्रा सी आमको से विषय कहे ये प्रभुपादंकर 125तम जन्म दिवस उपलक्षे यही प्रोग्राम टी ऑर्गेनाइज करा जाउची तेणु एटा एथिरे आमर रजिस्ट्रेशन सब रही तेणु आमर आम आउटिके परे आमर ये बुल्ला मंदिर तरफ आमर यूथ फोरम जो रही आमर सुशांत प्रभु आमर आशीष प्रभु आमर भवेश प्रभु जितु प्रभु एवं आमर पंकज नायक प्रभु एवं आमर गुंडीचा प्रभु सेमानको आमे अवगत करै दबु सेमाने एही अनुसार से रजिस्ट्रेशन करिवे सब यूथ पिला माने सेही प्रोग्राम रे माने जॉइन हेबे सेही डेट रे तेणु आमको एटा होची 20th June। हाँ प्रोग्राम हबो 20th June रे से प्रोग्राम टी आमर करा होची तेणु आज आमे समस्तंको ए जो आईडी रहिची SP283 एटा आईडीटा होची SP283 तेणु यहाँ अनुसार आम पुणी आहरी विशद भाव आम आलोचना करूँ प्रसाद पाइसापर तेणु सब समस्त आम अनुरोध करुचु समस्ते निज निजर जो प्रचार करुं समस्त ए विषय अवगत कराइ दिंतु जो भाव में यो 125तम जन्मदिवस प्रभुपादंकर उपलक्षे डॉक्टर विवेक बिंद्रा आम मानक से विषय किसी कहे तेणु आम समस्ते ए कथा शुणा तेणु समस्त अनुरोध समस्ते एथिरे योगदान करंतु। हरे कृष्ण जय श्री गुरु महाराज की जय।